Navjyoti India Foundation is a temple. Yes, one great saint said, school is a temple, children are God, and teacher pujari hota hai. Yes, there are hundreds of volunteers, hundreds of dedicated full-time staff at Navjyoti. Today, I'm very, very lucky and happy to welcome Rakhi Prajapal, who is a wonderful soul, a teacher who has served over 8,000 hours in Navjyoti for 4 years. Yes, lots to learn from this great teacher on how to teach effortlessly in the slums amidst all the problems, challenges underserved community faces. Welcome, Rakhi. Thank you. Thank you so much, sir. आपका कैसे मैं शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आज आपके सामने हूं. ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है. ये मेरे आज के दिन. डॉक्टर किरण बेदी का थैंक्स है. उन्होंने हमें नवज्योति बना के दी, हमें मौका दिया सेवा करने का. नीतू शर्मा मैम का थैंक्स है. उन्होंने हमें ट्रेन किया, इस लायक बनाया कि हम सेवा के लायक बने. सुशील सर का थैंक्स है. वो रोज हमें एंकरेज करते हैं, रोज हमें एंथुजियाज्म देते हैं. yes. और हम क्लास में जाते हैं और शुरू हो जाते हैं बच्चों को खुशी बांटना. तो प्लीज बताइए, आप कैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस भरते हो? मैं उन्हें अपना एग्जांपल लेकर उन पे कॉन्फिडेंस लाती हूँ. मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं जैसे आज कर रही हूँ, आप उससे बेटर कर सकते हो, आप उससे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आप सही रास्ते पर चल रहे. yes. तो हर रोज मैं अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाती हूँ कि डरना नहीं है, जो आए लड़ते जाओ, बस चलते जाओ, ना रुकना है ना हिम्मत हारना है. एक ग्रेट टीचर एग्जाम्पल देके समझाता है. एक ग्रेट टीचर कहता है कि मेरा बच्चा मेरे से भी और आगे बढ़े, और यही निशानी है एक ग्रेट टीचर की, जो अपना सब कुछ देता है. अब 4 सालों में आपने बहुत सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट्स देखे हैं नवज्योति में. तो आप हमें 4 वो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो आपके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल लाते हैं, जो आपके दिल में बहुत ज्यादा खुशी लाते हैं. मैं सबसे पहले, मेरे लिए सबसे पहला जो सबसे प्यारा मोमेंट था वो यही था कि मैंने नवज्योति ज्वाइन की. जब सर ने मुझे बोला कि आप नवज्योति में हो और आप यहाँ पर ज्वाइन करो, तो सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए वही थी कि मैं यहाँ से आकर वहाँ गई, मैं इस लेवल से उस लेवल तक पहुंची. ये मेरी सबसे पहली खुशी. दूसरी, जब वो क्लास में सारे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे होते हैं, हर बच्चा जो बोलता है कि हम मैम आपकी तरह बनना चाहते हैं, है ना, तो बच्चों को ऐसा क्या दिखता है मुझमें, या मुझमें ऐसा क्या है, क्या दिया भगवान ने जिसकी वजह से बच्चे मेरे फैन हैं और बच्चे मेरी तरह बनना चाहते हैं. तो ये सबसे मेरी दूसरी खुशी, मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं कि आपकी तरह बनना है. तीसरा, जब मैं अपनी नवज्योति फैमिली के साथ कहीं इवेंट सेलिब्रेट कर रही हूँ या फिर कुछ बड़ी अचीवमेंट जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी कि वहाँ हम इस लायक बन गए, हम इस काबिल हैं कि हम सारे साथ बैठे हैं. वो टाइम, वो सारी उन सब की फीलिंग्स, वो सब इकट्ठा हम एक साथ कर रहे हैं, एक दूसरे को हम शेयर कर रहे हैं कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया, आज हम कहाँ हैं, हमें आगे और कहाँ करना है, अपनी नवज्योति को कहाँ लेकर जाना है, तो वो सब बातें, वो सबसे बड़ी खुशी है. yes. चौथी, आज भी मैं नवज्योति में हूँ और मेरे मन में आज भी ये है कि मैं नवज्योति में हमेशा रहूं. मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि मैं नवज्योति में नहीं, मुझे ये नहीं मिल रहा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं रहना है, नहीं मुझे वो नहीं करना है. नवज्योति मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने जो मुझे दिया उसका ग्रेटिट्यूड वो मेरे मन में करेगा. तो बस आपने ओपरा विनफ्री जैसे बोल दिया, जिसके दिल में कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, वो तो बस हंसता ही रहेगा, उसके चेहरे से हंसी जाएगी नहीं, उसके दिल में संतोष धन भी रहेगा. और आपने 4 क्या, मैं 40 गिनवा देता तो भी आप गिनते रहते, बोलते रहते. और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम कहां से कहां पहुंचे
और हमें आगे कहाँ जाना है, ये नवज्योति में ही सीखने को मिलता है। नवज्योति हर साल ऐसी प्लानिंग करती है, टीचर्स को प्लान बताती है, टीचर्स को प्लान छोटे छोटे माइक्रो प्लान्स बनवाती है, मंथली प्लान बनवाती है, तो इतना बढ़िया काम हो रहा है। तो आपकी सबसे तीन खूबियां कौन सी हैं, सबसे टॉप की खूबियां? कि मैं कभी भी किसी काम के लिए डरती नहीं हूँ। अगर सर मुझे बोलते हैं तुम्हें ये डेटा हैंडल करना है तो मैं यस सर आई एम रेडी। अगर सर बोलते हैं तुम्हें आज बच्चों को ये सिखाना है, तुम्हें आज ये एक्टिविटी है, तुम एज अ ट्रेनर इस पर काम करोगी, तो वो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं करती हूँ। मेरे मन में कभी ये नहीं आता कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, हमेशा मैं हार्ड वर्क करती हूँ, हमेशा। मतलब कभी मैंने काम को लेकर टाला नहीं कि नहीं मुझे आज नहीं करना, कल कर लेंगे, आज नहीं चलो कल हो जाएगा। तो आई एम अ फर्स्ट लर्नर, आई एम अ कॉन्फिडेंट एंड आई एम ऑलवेज कॉरेजियस फियरलेस लर्नर। वेरी गुड, यस। अभी बवाना गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो है, लेकिन अंग्रेजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि अंग्रेजी बोलते नहीं है। कठे जा रहा है, क्यों जा रहा है, हरियाणवी में ज्यादा बात होती है, राइट? तो नवज्योति में आके आपने इंग्लिश सीखी और अभी कैमरे के सामने भी इंग्लिश बोलते हो, तो उसके बारे में कुछ एडवाइस या टिप दोगे जो थोड़ी अंग्रेजी में से डरते हैं, नहीं 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 बाबा, या जो कैमरे से भी डरते हैं? अब तो जूम क्लास भी हो गई, नवज्योति ने बहुत अच्छा काम किया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जूम करते हो, तो आपकी तो कैमरे से दोस्ती भी हो गई, इंग्लिश से दोस्ती भी हो गई, तो कोई टिप्स दोगे ऐसी कि ये डर कैसे भगाए? एक टिप मैं सबको देना चाहूंगी कि इंग्लिश से हम जितना भागते हैं, इंग्लिश उतना ही हमारे आगे आती है। हम सोचते हैं इंग्लिश नहीं करनी है, लेकिन आगे कुछ ऐसा टास्क आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा, मतलब उससे हम बच नहीं सकते, तो उससे हमें प्यार करना है, वो उतना ही हमें प्यार करेगी। तो इंग्लिश से भागना नहीं है, उसे सीखना है, क्योंकि लाइफ में अप डाउन रॉन्ग राइट ये तो चलता रहेगा, तो सेम ऐसे इंग्लिश में भी चलता रहेगा, कुछ गलत होगा कुछ ठीक होगा, लेकिन उसे करना है, उसे भागना नहीं है, और अपने कैमरे से प्यार करना है। आपको करना है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, कैमरे के सामने बैठकर आपको खुद से प्यार करना है, ऑटोमेटिकली आपको कैमरे से प्यार हो जाएगा, है ना? वाह क्या बात बोली है, कैमरे में अपने से प्यार करना है ताकि कैमरे के माध्यम से आप पूरे विश्व को अपना संदेश दे सके, है ना? Yes, और इंग्लिश से नहीं भागना है, क्योंकि वो जिससे भाग रहे हैं वो सामने आता रहेगा, और गलतियां तो होंगी, गलतियां करते करते सीख जाएंगे, कौन सा वैसे परफेक्ट है दूसरी चीजों में, है ना? हर जगह गलतियां, तो सीखते रहो। बहुत सुंदर। तो आपको मूवीज अच्छी लगती है? बिल्कुल सर। कौन सी मूवी फेवरेट? अभी फेवरेट तो मेरी तारे जमीन पर फेवरेट है। वाव। अभी मैं कुछ मूवी देख के आई थी, उसमें जैसे मुझे गंगूबाई अच्छी लगी, उनकी जो हिस्ट्री थी काफी अच्छी थी, आपको अच्छे बीज उगाने हैं, अपने अच्छे बच्चों की परवरिश करनी है, ताकि कल को वो फ्यूचर में जाकर बेस्ट करेंगे, वो आपका नाम खुद रोशन करेंगे। आप आज अच्छा करोगे तो कल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ये किरण मैम सबसे अच्छी बात लगती है। तो रोज अच्छा करते जाओ, रोज बीज उगाते जाओ, है ना? रोज बीज बोते जाओ। वेरी गुड, ग्रेट। नीतू मैम की कौन सी बात अच्छी लगती है? नीतू मैम की कि कभी भी आपको थकना नहीं है, ये काम नहीं हो रहा है इसको अलग तरीके से करो, इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से करो, लेकिन काम को करो, उसे भागना नहीं है, उसे डरना नहीं है। तो मैम के पास कितने आइडियाज होते हैं, कभी काम को लेकर स्ट्रक नहीं हुई कि नहीं ये काम मैम इस तरीके से नहीं हो रहा, तो कोई और तरीका ढूंढो, कुछ और होगा, सोचो थोड़ा सा, इस पे दिमाग लगाओ, जोर लगाओ, शायद और अच्छा तरीका निकल के आ जाए। तो ये काम, ये बात बहुत अच्छी है। और सुशील सर भी बहुत प्यारे से हैं, छोटे से हैं, उनसे क्या सीखा आपको? सुशील सर हमेशा मुझे गाइड करते हैं, वो ये बहुत बड़ी इमेज देखते हैं, जैसे आप आपसे मैं अभी मिली हूँ, सुशील सर से मैं 3 साल पहले मिली थी, लेकिन ये 3 दिन, मतलब एज एग्जाम्पल आपसे मैं 3 दिन में मिली और उनसे मैं 3 साल पहले, ये दोनों बराबर है,
क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है, 3,000 दिन उन्होंने मेहनत किया क्योंकि मैंने वो इमेज अपने 4 दिन में आपके सामने बना दी, जो हाथ सामने बनाई, तो दोनों की सुशील मेरे से प्यार करता है ना, तो उसने ऐसे इमेज बना दिया इतने 3 साल में, मेरी इतनी तारीफ किया आपके लिए आपके सामने, तो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो नीतू मैम का प्यार हमें वहां से मिला है, किरण मैम का प्यार मिला है। और सविता मैम की कौन सी बात अच्छी लगती है? सविता मैम की वो हमेशा पोलाइटली बात करती है हमेशा, मैंने कभी भी उनके फेस पर गुस्सा नहीं देखा कभी भी, कभी नहीं, करते जाओ तो ये चीज बहुत अच्छी है उनकी कि वो हर काम पोलाइटली करती और बहुत प्यार से करती है। अब मम्मी पापा तो सबके फेवरेट होते हैं, तो आपके मम्मी पापा से आपने क्या सीखा? मैंने अपने मम्मी पापा से सीखा कि आप घर में बैठकर कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर जाकर अपनी इमेज खुद बनानी पड़ेगी, उस लाइक बनना पड़ेगा कि हर कोई आपकी तारीफ करे, हर कोई आप जैसे बने, हर कोई आपके चले रास्तों पर ही वो चले, इस लाइक आपको खुद बनना पड़ेगा, कोई भी आके आपको कुछ सिखाएगा नहीं, खुद करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है मम्मी पापा की, है ना? तो मम्मी का भी थैंक्स है, पापा का भी थैंक्स है। अब भाई बहन भी सपोर्ट करते हैं, तो आपके बड़े भाई की एक क्वालिटी कौन सी अच्छी लगती है? बड़े भाई की क्वालिटी ये है कि वो भले ही मेरे सामने कितना ही लड़ ले, कितना ही कुछ, लेकिन पीछे से वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, है ना? दिल में सपोर्ट होता है, बहन है मेरी ओए। और छोटी बहन भी आपकी, छोटी बहन की वो उससे लड़ती बहुत है, कम में भी बहुत करती है, नहीं इसके साथ ऐसे रहना है, इसके साथ ऐसे रहना है, लेकिन वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। तो बस जिंदगी का नाम बस प्रेम ही प्रेम है, तो दिल में हम खुशियां भर लेते हैं, थैंक्स भर लेते हैं, सबकी बातें हो गई, और सबको आंखें बंद करके थैंक यू बोलना है और हंसते रहना। यस हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।